नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय दो बहुपद प्रश्नावली 2.1 क्लास 9th। देखिए बच्चों, हम इस पाठ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम पाठ का अर्थ तो जान लें। देखिए, बहुपद का अर्थ है एक से अधिक पद, जैसे कि एक से घात 5 माइनस एक से घात 4 प्लस 3 फिर डैश 2 माइनस वाई की घात 2। यह बहुपद है क्योंकि देखिए इसमें एक पद तो ये एक पद है, एक से अधिक, इसमें भी एक ही है, एक ही है, एक ही है, एक से अधिक पद जिसमें हो वो बहुपद होता है। परंतु जैसे 2 है, एक से घात 2 है या 0 है, जैसे पद बहुपद नहीं क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है, इसमें भी एक ही पद है और इसमें भी एक ही पद है। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों हम पढ़ लेते हैं प्रश्नावली 2.1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देखिए, इसे पहला वाला है हमारा 4x घात 2 माइनस 3x प्लस 7। देखिए तो इसको जो है इसमें यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें x एक ही है ना, और चर है, एक ही है और चर है। ये देखिए इसमें जो है यह एक चर में बहुपद है क्योंकि देखिए यहाँ पर भी एक ही x है, यहाँ पर भी एक से, मतलब ये दोनों जो है ये दोनों एक ही चर है। ठीक है, इसलिए एक चर में बहुपद है। देखिए यह भी एक चर में रहेगा कि इसमें केवल y है, ये तो अचर है, यह y चर है, यह एक चर में बहुपद है क्योंकि इसमें y ही चर है। ठीक है, फिर ये देखते हैं तो देखिए इसमें यह एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है इसमें से एक भी, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, ये आ गया रूट। ठीक है, अब देखिए बच्चों इस पर ऐसे जो बाकी के जो चौथा और पांचवा वाला सवाल है वो आप हल कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपका होमवर्क है, इसमें थोड़ा सा वर्क भी करना पड़ता है तब जाके हमारी मैथ सॉल्व होती है। अब चलिए हम बाकी का जानते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x के घात 2 का गुणांक लिखिए। चलिए इसका गुणांक लिखते हैं। तो देखिए जैसे हम इसको सोल्व करते हैं, देखिए इसका गुणांक 1 है तो देखिए 1 क्यों होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए बच्चों ये है, अब हम इसे जब सोल्व करेंगे तो देखिए इसमें क्या करना हमें, एक से एक की घात, एक से घात 2 से एक से घात 2 को भाग देंगे तो देखिए क्या होगा, ये देखिए इसको भाग देंगे तो एक तो बचेगा ना यहाँ पर, तो एक ही क्या होगा इसका, एक ही इसका जो है गुणांक हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणांक 1 है इसलिए। ठीक है, अब जब हम इसको देखें इसको, तो अगर इसमें हम देवे तो देखिए 1 आएगा और तो 1 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका गुणांक माइनस हो जाएगा। तीसरा है, तो तीसरा जो है अगर इसको हम काटेंगे तो वो जो आएगा वो 1 आएगा, परंतु 1 को लिखते नहीं है तो इसका जो गुणांक आएगा वो पाई की घात 2 आएगा। ठीक है, पाई की घात 2। अब देखिए चौथा जो है, चौथा है, चौथा का जो गुणांक रहेगा वो 0 रहेगा क्योंकि देखिए ये पाई जो है एक अचर पद है, और ये जो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि 1x घात 2 है ही नहीं यहाँ पर, है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उत्तर में क्या लिखा हमने, 1x घात 2 का गुणांक 0 है क्योंकि 1x घात 2 इसमें है ही नहीं। ठीक है, चलिए तीसरा देख लेते प्रश्न। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, देखिए 35 घात का जैसे कि a की घात 35 प्लस b, जहाँ a चर है वह b अचर है, सिंपल। आप चाहे तो यहाँ पर x और यहाँ पर y भी ले सकते हो। ठीक है, नहीं x और 2 ले सकते हो, 2, 3, 4, इसमें जो है अचर है ये। ठीक है, ये मैंने a भी लिया, a भी में आप ले सकते हो, और ठीक है पाई 2 है ना, पाई टू है की घात 100 है ना, जहाँ a अचर है। ठीक है, देखिए बच्चों हम चौथा देखते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की हमें घात लिखनी है, तो ये देखिए त्रिघाती, क्योंकि देखिए अगर ये लिखते हैं हम इसके लिए घात ही नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है और इसमें 3 है, और 3 है तो 3 सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा ही लिखेंगे। दूसरा है तो दूसरे में देखिए तो अचर है, इसकी तो घात हो नहीं सकती, ये है ये चर है तो इसकी हो सकती है, इसकी लिखेंगे तो इसकी घात 2 होगी। अब देखिए तीसरा जो है वो है 5t माइनस रूट सेवन। ठीक है, रूट सेवन तो इसकी घात जो है 1 रहेगी क्योंकि ये चर है, और चर की अगर कुछ घात नहीं रहती होगी 1 तो मानी जाएगी, इसलिए इसकी घात 1 रहेगी। 3 है,
तीन तो एक अचर पद इसकी घात हो नहीं सकती, तो इसकी घात शून्य होगी। ठीक है, चलिए पांचवा पढ़ लेते हो। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। ये बताना है हमें, इसमें क्या करना है, इसमें कौन कौन एक घाती है, कौन कौन दो दो घाती है, कौन कौन त्रिघाती है, कौन कौन रैखिक है बताना है। तो देखिए, ये जो द्विघाती रहेगा इसकी घात दो है, पहले पता चल रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहा है इसमें। ये जो त्रिघाती रहेगा किसमें, इसके चार में तीन तीन घात है, ये है जो ये द्विघाती रहेगा क्योंकि इसमें भी सबसे बड़ी घात दो है। ठीक है, बाकी इसमें तो घात है नहीं और इसकी मानी नहीं जाएगी। ये जो है ये रैखिक है क्योंकि इसमें कोई घात लगी नहीं हुई है। ठीक है, रैखिक है। इसके बाद ये भी रैखिक रहे, इसमें भी घात नहीं है, इसकी घात दो रहेगी, आर की घात दो है, तो मतलब इसकी द्विघाती रहेगा ये। ठीक है, ये त्रिघाती, इसकी घात त्रि है, तीन है ना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।